My name is Vinay Pandya, your teacher. Today's subject is English. आज कौन सा subject है? English का. तो English के lecture में पहले मैम ने आपको कौन से letter सिखाए थे? Yes, right. Letter L and I. ये कौन से letter है? जो two letters है ना मैम ने आपको सिखाए थे last video में. Okay. तो first of all हम क्या देखते हैं? पहले तो L कैसे लिखते हैं, then I कैसे लिखते हैं, ओके? First letter L, standing line, sleeping line, ये कौन सा letter बनाया? Yes, right, letter L. Letter L से क्या होता है? L for leaf, L for lamb, L for lion, L for lollipop, है ना? Okay. Then after कौन सा लेटर है लेटर आई कैसे बनाते हैं मैम स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन ये कौन सा लेटर बनाया मैम ने लेटर आई कौन सा लेटर बनाया लेटर आई आई से क्या होता है आई फॉर इंकपॉट आई फॉर इंसेक्ट Then I for क्या होता है? Ice cube, okay? तो ये कौन सा letter हुआ? Letter L और ये letter I, okay? उससे हम क्या करेंगे? दो exercise करेंगे, है ना? तो first वाली कौन सी exercise है? Trace the letters L and I. इसका meaning क्या हुआ? मैम ने ऐसे डॉट बनाए हुए हैं तो आपको क्या करना है उसके ऊपर ट्रेसिंग करना है क्या करना है उसके ऊपर ट्रेसिंग करना है ये डॉट बनाए ना उसके ऊपर मैम ने क्या किया ट्रेसिंग किया स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन तो ये मैम ने क्या बनाया लेटर L बनाया है ना ओके अगेन ट्रेस करना है जब हम स्टार्टिंग में नोटबुक में लिखते हैं ना तब मैम ने आपको बताया था ना कि नोटबुक में पहले ऐसे ही फर्स्ट टोटल डॉट बना के उसके ऊपर आपको ट्रेसिंग करना है ना तो ये क्या है ट्रेसिंग कर दिया मैम ने क्या किया ट्रेसिंग किया मैम ने क्या किया ट्रेसिंग किया ओके वैसे ही क्या करना है लेटर एल बनाया हमने है ना तो आपको क्या करना है आगे लेटर आई में भी क्या करना है हमें ट्रेसिंग करना है तो ये देखो मैम ने डॉट बनाए हुए है ना तो ये स्लीपिंग लाइन विच लेटर इज दिस यस राइट लेटर आई आई से क्या होता है आई फॉर इंसेक्ट आई फॉर आइस क्यूब आई फॉर आइसक्रीम है ना आइसक्रीम अच्छी लगती है आपको यस राइट देखो मैम कैसे ट्रेसिंग कर रहे हैं ऐसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है नोटबुक में ऐसे फुल डॉट बनाने हैं और आपको क्या करना है नोटबुक में ऐसे ही मैम ने जैसे ये ट्रेस करके बनाया था ना वैसे ही मम्मा की हेल्प लेके आपको क्या करना है वैसे ही डॉट बनाना है और आपको उसके ऊपर क्या करना है ट्रेस करना है मैम ने आपको सिखाया ना ट्रेसिंग कैसे करते हैं ओके तो आपको ये क्या किया मैम ने ट्रेसिंग एक्टिविटी की है ना मैम ने आपको दिखाया ना कि कैसे लिखते ओके और ये सेकेंड एक्सरसाइज कौन सी है सर्कल द सेम लेटर्स इन ईच रो सर्कल द सेम लेटर्स इन ईच रो इसका मीनिंग क्या हुआ ये जो बॉक्स के बाहर जो लेटर बनाया है ना वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्या करना है आपको फाइंड करना है कि ऐसा सेम लेटर यहाँ पे कहाँ पे है तो उसके ऊपर आपको क्या करना है सर्कल करना है क्या करना है आपको सर्कल करना है तो ये कौन सा लेटर है
सा लेटर है ये? लेटर एल। अभी आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लेटर एल कहाँ है, उसके ऊपर आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। ये है नो, देन दिस वन नो, देन दिस वन नो, और ये वाला यस राइट, बोथ आर सेम। क्या हुआ, दोनों सेम है ना, ये भी लेटर एल है और ये भी लेटर एल है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। क्या बनाना है आपको, सर्कल बनाना है ना। ओके, वैसे ही आपको क्या करना है, नीचे में हमने कौन सा लेटर लिया है, लेटर आई, कौन सा लेटर लिया है, लेटर आई। अभी आपको अगेन यहाँ पे फाइंड करना है कि लेटर आई कहाँ है, ये है इसके जैसा सेम नो, एंड दिस वन नो, और ये वाला यस, बोथ आर सेम है ना, ये क्या है, दोनों सेम है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। क्या करना है, सर्कल बनाना है। अगेन सर्कल द सेम लेटर्स इन ईच रो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बॉक्स के बाहर जो लेटर लिखा है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है और उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। तो मैम ने सिखाया ना आपको, यहाँ पे एल है तो यहाँ पे सेम, वैसे कहाँ है तो ये है, तो ये बोथ आर सेम, तो मैम ने क्या किया, उसके ऊपर सर्कल बनाया, और यहाँ पे क्या है, लेटर आई, क्या है, लेटर आई। तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है आपको और सर्कल बनाना है। ओके, वैसे ही आपको क्या करना है, ये वाली एक्सरसाइज भी नोटबुक में आपको क्या करना है, नोटबुक में क्या करना है आपको, वैसे ही सेम एक्सरसाइज बना के आपको लेटर फाइंड करके उसके ऊपर सर्कल बनाना है। तो आपको क्या होगा, लेटर एल और आई दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और वैसे ही मैम ने जैसे आपको ट्रेसिंग किया, ट्रेसिंग करके बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, नोटबुक में आपको वैसे ही लेटर एल और आई ट्रेसिंग बना के उसके ऊपर क्या करना है, ट्रेस करना है। तो ये कौन सा लेटर बनाया मैम ने, लेटर एल, ये कौन सा लेटर हुआ, लेटर एल है ना, लेटर एल है ना, ये क्या बनाया मैम ने, लेटर एल। ओके, और वैसे ही क्या करना है आपको, कौन सा लेटर बनाना है, लेटर आई, क्या बनाना है, लेटर आई। उससे क्या होता है, अगर आप वैसे ही डॉट बना के कंप्लीट ट्रेसिंग बनाओगे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, आपको लिखना आ जाएगा है ना, अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा। और वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, लेटर एल और आई की प्रैक्टिस करनी है। एल से क्या होता है, एल से यस राइट, मैम ने क्या बोला, आपको बोल बोल के लिखना है, क्या लिखना है, एल फॉर लीफ, एल फॉर लायर, एल फॉर लैम्प। वैसे ही आपको क्या करना है, बोल बोल के लिखना है। वैसे ही लेटर आई में क्या होता है, वैसे ही लिखना है, लेटर आई स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन है ना। तो आई फॉर क्या होता है, बोल बोल के आपको कैसे लिखना है, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंसेक्ट, आई फॉर आइस क्यूब है ना। वैसे आपको क्या करना है, बोल बोल के लिखना है। तो वैसे आपको क्या होगा, लेटर एल और आई दोनों अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा है ना। अभी ये दोनों एक्सरसाइज क्या करना है आपको, यस राइट, नोटबुक में है ना, वैसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, लेटर एल कैसे लिखा, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाया है ना, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ये कौन सा लेटर हुआ, लेटर एल। अगेन आप बनाओ मेरे साथ, लेटर एल, लेटर
L, okay, और I, sleeping lion, standing lion और sleeping lion, आपको क्या करना है, यही एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है, okay kids, bye bye.